कोकेनाग में गोलीबारी जारी, आतंकवादियों के घुसने की आशंका। समाचार एजेंसी कश्मीर न्यूज ऑब्जर्वर के अनुसार आईजीपी ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि आतंकवादियों की संख्या 3 से 4 है। आईजीपी ने कहा, हम नागरिकों की भूमिका की जांच कर रहे हैं कि वे आतंकवादियों के इतने करीब क्यों और कैसे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि समूह डोडा की ओर से इस ओर घुस आया है, क्योंकि अनंतनाग और डोडा की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि 2 सैनिक और 1 नागरिक की मौत हो गई, जबकि 1 अन्य नागरिक का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा, एक व्यापक तलाशी अभियान चल रहा है, इलाका और मौसम एक चुनौती है। इत्तला मिली थी और उसी असना में एक ऑपरेशन जो है वहाँ लॉन्च हुआ था। फॉरेन टेररिस्ट की जब मूवमेंट देखी तो ऑब्जर्व करी, तो वहाँ पे उस ऑब्जर्वेशन के दौरान उन्होंने जो फोर्सेस की पार्टियों पे गोलाबारी करी। तो उसी असना में जो 2 जवान शदीद जो थे जख्मी हुए थे, एंड सिंस दे सकम टू इंजरीज एंड अटेंड मार्टिरडम, अनदर जवान वॉज ऑल्सो इंजर्ड, ही इज स्टेबल। सिमिलरली इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट सम सिविलियंस वर ऑल्सो नियर बाय दैट ग्रुप, एंड देवर वो उस गोलीबारी की जद में आए, जिसमें 1 जख्मी होने के बाद ही सकम टू इंजरीज, अनदर इज अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सीम्स टू बी स्टेबल एट दिस जंक्चर। सो ऑपरेशन इज स्टिल ऑन एंड वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग एज टू हाउ दीज सिविलियंस वर देयर नियर बाय दैट टेररिस्ट ग्रुप, दैट टू इन हायर एंड forsaken area which is at a very higher reaches where general public is does not roam around. Sir, कितने militant? अभी इसमें अभी सरसरी इतना ही है, अभी जब ऑपरेशन खत्म होगा उसी के बाद हम इसमें पुख्ता तौर पे कह सकते हैं, बट इनिशियल कयासों से 3 से 4 का पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं किया जा सकता। लास्ट सवाल ये समझा जा रहा है कि डोडा भी जब ऑपरेशन पूरा खत्म होगा, मुकम्मल होगा, उसी के बाद इसका जो कोई डेफिनेट व्यू लिया जा सकता है, बट स्टिल दिस एरिया इज नियर द बॉर्डर जंक्शन ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, एंड वी कैन नॉट रूल आउट दैट पॉसिबिलिटी, बट स्टिल इट इज नॉट, इट वुड बी प्री मेच्योर टू से लेट दिस ऑपरेशन कंक्लूड एंड वी विल डेफिनेटली टोटल कैच। आई जस्ट टोल्ड यू दैट गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।